बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर। जॉब जिंदगी के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, ये कल एएसएस का पेपर है। क्वेश्चन नंबर वन है कि इन कुरान विच वर्शिप इज़ डिक्लेयर्ड एज कॉमन अमंग मुस्लिम एंड प्रीवियस उम्मत। तो कुरान मजीद मुसलमानों और सबके उम्मत में कौन सी इबादत जो है मुश्तरक थी? तो ये सलात थी, यानी नमाज। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दो को देखते हैं कि इस्लाम इज़ इनहेरिटेड द मोस्ट सुन्नत ऑफ, यानी इस्लाम में सबसे ज़्यादा सुन्नत वर्से में किससे मिली है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिली है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीन को देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है कि विच सहाबी नरेटेड ग्रेटर नंबर ऑफ अहादीस, किस सहाबी से जो है ज़्यादा अहादीस क्या है बयान की हैं? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है? सबसे पहले नंबर पर जो है हज़रत अबू हुरैरा हैं, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं कि हदीस कुदसी इज़ अहदीस वेयर फर्स्ट नरेटेड इज़। तो ये हदीस कुदसी जो होता है ये एक हदीस है जिसका पहला रावी कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव है कि शराब जो है ये कब हराम हुई? तो शराब का करेक्ट आंसर फोर हिजरी है, जो ही यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इमाम बिलोंग टू इराक, इराक के साथ किस इमाम तक का ताल्लुक था? तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आता है? ऑप्शन ए आता है, इमाम अबू हनीफा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सात के नमाज कसूफ, एक होता है खसूफ, खसूफ जो होता है ये चांद गिरन के लिए यानी लोनर एक्लिप्स, और ये कसूफ है तो ये जो है सोलर एक्लिप्स यानी सूरज गिरन के वक्त पढ़ी जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन सी आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ, थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक फिक्का इज़, यानी इस्लामिक फिक्का का तीसरा जो है माखिज कौन सा है? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है? ये इजमा आता है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन के व्हेन डिड द मुस्लिम ऑफर फर्स्ट हज, मुसलमान ने सबसे पहले हज का किया था? तो नौ हिजरी को जो है हज फर्ज हुआ था और इन्होंने भी नौ हिजरी को किया था। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन ए आता है, नौ हिजरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दस को देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अशरा मुबशरा, अशरा मुबशरा कौन थी? ये तीन दस जो हैं जन्नती हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड मिंटो वाज डेश ऑफ इंडिया, लॉर्ड मिंटो कौन थे? ये वायसराय थे। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 11 में लॉर्ड मिंटो यानी इंडिया के वायसराय थे। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान नेशनल बर्ड इस, पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? तो ये चकोर है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन बी इसमें जो है करेक्ट आंसर है, चकोर। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हु इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ नेशन, कौम की माँ किसे कहते हैं? फातिमा जिन्ना को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 13 में जो करेक्ट आंसर आता है ये आता है ऑप्शन बी, फातिमा जिना, मादर मिल्लत जिसे कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी, जर्मनी के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आता है? ये आता है ऑप्शन सी यानी बर्लिन, इसके दरकूमत का नाम क्या है? बर्लिन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 16 नंबर, कि डेट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर जो फसल है तो ये शुगर केन है। पहले नंबर पर वेट है, दूसरे पर शुगर केन है, गन्ना। क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आता है? जापानी येन इसे कहते हैं, और चाइना का युआन है, तो ये भी याद रखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला वाज अ फ्रीडम फाइटर ऑफ, नेल्सन मंडेला जो है आज़ादी लड़ने वाले थे, तो ये इसका ताल्लुक कहाँ से था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आता है? ये आता है साउथ अफ्रीका। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 की विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम
अलायंस फॉर प्रोटेक्टिंग रिलीजियस फ्रीडम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये किस मुल्क ने जो है पेश किया है हाल ही में दुनिया में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन बी आता है, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ने किया है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि एज पर द रिसेंट चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया, द रिसेंटली मोडिफिकेशन FDI पॉलिसी ऑफ इंडिया अगेंस्ट इन रूल विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि इंडिया साइन बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेटर एग्रीमेंट विद विच कंट्री, तो ये हिंदुस्तान ने किसके साथ ये किया है एग्रीमेंट, तो ये यूनाइटेड स्टेट के साथ किया है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 के, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज $100 million टू 7 कंट्रीज टू रिस्क ऑफ पेमिक, तो ये किस मुल्क ने जो है ये 100 मिलियन दिए हैं, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूनाइटेड नेशन ने दिए हैं, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 के, विच स्पेस एजेंसी हैज़ रिसेंटली लॉन्च अ न्यू बैच ऑफ 60 स्टारलिंक, तो ये इंटरलिंक के ये स्पेस एक्स ने भेजे हैं, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि विच पास कनेक्ट चतराल विद बादशाह अफगानिस्तान के साथ, चतराल कौन सा पास कनेक्ट करता है, दोरा पास, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि विच सिटी पाकिस्तान इज यूनिक फॉर यानी स्पोर्ट्स पाकिस्तान के खेलों का सामान जो है कहां पर तैयार होता है, तो ये सियालकोट में तैयार होता है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26, विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट रिनोड द वर्ल्ड ऑफ फील्ड ऑफ मैथमेटिशन एंड मैथमेटिकल फिजिक्स, तो ये किसने किया है, अब्दुल सलाम ने किया है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है कि हु इज़ नोन इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड बायोकेमिस्ट्री, यानी बायोकेमिस्ट्री वाले जो थे फ्रेंड, इसका जो है कैंडी किसी को पता है तो कमेंट्स में लाजमी बताएं। इसको कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं कि विच पाकिस्तानी सेंटेंस इज ऑफन रेफर टू एज द आइंस्टाइन ऑफ पाकिस्तान, आइंस्टाइन ऑफ पाकिस्तान जो है ये किसको कहा जाता है, डॉक्टर अब्दुल सलाम को कहा जाता है, इसको 1977 में नोबल प्राइज़ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है मिज़ाइल मैन ऑफ पाकिस्तान जो है ये किसको कहा जाता है, तो ये डॉक्टर अब्दुल कदीर को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी स्पेशलिस्ट जो थे जिन्होंने क्या किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया है, तो इसका भी काइंडली आप लाजमी कमेंट्स में बताइएगा, हमें इसका आंसर जो है अभी तक नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन है, पीसी कंसिस्ट ऑफ, पीसी में जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, पेरिफेरल्स होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं कि द ESC की यूजुअली अलाउज डैश टू डैश अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, सीकी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, तो एस्केप फ्रॉम के लिए इस्तेमाल होती है, यानी उस चीज़ को एस्केप करने के लिए, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है कि पोस्ट स्क्रिप्ट प्रिंटर जो होते हैं किस टाइप के प्रिंटर होते हैं, ये लेज़र भी होते हैं, डॉट माइनर भी होते हैं, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, ए एंड बी, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं कि क्लिकिंग द एक्स, यानी एक्स क्रॉस वाला जो निशान होता है किसी भी मेन्यू में, तो इसको क्रॉस को जब हम दबाते हैं तो किस लिए इस्तेमाल होता है, ये क्लोजेस के लिए यानी बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है, MS वर्ड में हर चीज़ में कंप्यूटर में जो इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन है कि ऑलवेज यूज डैश व्हेन एग्जिस्टिंग विंडो के लिए हमेशा हम क्या दबाते हैं, हम जो है स्टैंड बाई करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, शट डाउन करते हैं, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इसमें क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कि द लोकल करंट डेंसिटी ऑन एन, यानी ये एक है इलेक्ट्रो लोकल कसाफत इलेक्ट्रॉन की सतह पर डैश एक फंक्शनल है, तो इसका भी आप काइंडली कमेंट्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंट का रेसिप्रोकल क्या है, इसका कंडक्टेंस है, यानी वो मुज़ाहमत है, और ये क्या है कंडक्टेंस, यानी बिजली गुजर सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन है कि पावर जो होता है कंजम्पशन LED में ये कितना होता है, तो ये 5 से
5 to 10 मिली एम्पियर का होता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, कन्वर्ट 32 डिग्री फारेनहाइट टू केल्विन। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए कितना होता है? 273 केल्विन होता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद बाकी जो MCQs हैं फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक टुकड़ा है, इसको हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं और या फाइंड करने के लिए, तो ये दोनों की इस्तेमाल होते हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, ए एंड बी। इसके बाद साइट पर जो है यानी हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, कापी और पेस्ट के लिए कंट्रोल सी कापी और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। इसके अलावा यहाँ पर मार्जिन के लिए जो यूज़ होता है, तो ये पेज ओरिएंटेशन है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है, ये आता है। इसके बाद यहाँ पर जो है, जो कि एडोब एक्रोबेट फाइल जो होता है .pdf आई थिंक होता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल जॉब MCQs को सपोर्ट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।